केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के कंकड़खेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज मुनेश सिंह को गोली मारने वाले 25,000 रुपए के इनामी विनय वर्मा को पुलिस ने आज गोली मार दी। उसे 2 गोलियां लगी हैं। उसकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है। 2 दिन पूर्व ही पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके दूसरे साथी नरेश सागर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बकौल SSP, गिरफ्तार विनय वर्मा ने उस वक्त पिस्टल से फायर किया जब पुलिस उसे मुनेश सिंह पर फायरिंग में प्रयोग पिस्टल बरामद करने के लिए ले गई थी। दरअसल मेरठ में हथियारों के बल पर लूटी गई सेंट्रो कार का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पर बदमाशों ने धावा बोल दिया था। टक्कर मारने के साथ ही बदमाशों ने नीचे उतरकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। गोली लगने से कंकड़खेड़ा चौकी प्रभारी मुनेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सीने से गोली आर पार हो गई थी। उन्हें पहले कंकड़खेड़ा स्थित कैलाशी हॉस्पिटल और फिर कौशाम्बी के मैक्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। लंबे इलाज के बाद मुनेश सिंह हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। घटना के वक्त उनके साथ सिपाही सुशील, रविंद्र, सचिन भी साथ थे। दरअसल बदमाशों ने कंकड़खेड़ा SR मंडप के बाहर खुर्जा निवासी सोनू सैनी से उसकी कार लूट ली थी। सोनू उस वक्त कार में ही सोया हुआ था। पुलिस को तत्काल दी गई सूचना पर लूटी गई कार में लगे GPS की मदद से चौकी प्रभारी मुनेश सिंह ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया था। करीब 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद बदमाश पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर भाग निकले थे। इससे पहले की गई अंधाधुंध फायरिंग में 1 गोली मुनेश सिंह को भी लगी थी। आज इस घटना के बारे में SSP रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। 22 और 23 जनवरी की देर रात्रि को HR मंडप के सामने से एक गाड़ी लूट कर 3 लोगों के द्वारा गाड़ी लूट ली गई थी, और क्योंकि गाड़ी में GPS लगा था तो वादी के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा उस GPS के आधार पर गाड़ी का पीछा किया गया, जहां पर जो हॉस्पिटल था उससे कुछ दूरी पे, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे बदमाश चारों तरफ से घिर गए थे, और वहां पर बदमाशों के द्वारा पुलिस से बचने के लिए पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक हमारे जो चौकी इंचार्ज थे उनके सीने में गोली लगी थी और डॉक्टरों के बेहतर इलाज की वजह से उनकी जान बच पाई थी। और इसमें इसके बाद पुलिस के द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर जो बदमाश थे उनको चिन्हित किया गया था, और उसमें से एक विनय वर्मा नाम का अपराधी था जिसकी पहचान पुलिस द्वारा की गई थी, और 25,000 का इनाम भी 2 दिन पहले उस पर किया गया था। साथ में इसके जो 2 अन्य साथी थे उनकी भी पहचान कर ली गई थी। आज ये दोनों, विनय वर्मा और इसका जो एक अन्य साथी है, ये दोनों यहाँ से बस में बैठकर भागने की फिराक में थे। इसमें जो दूसरा नरेश सागर, ये दोनों ही जब बस में जाने के लिए लगे थे तो पुलिस द्वारा इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों को ही थाने पर लाया गया और जो विनय वर्मा था उससे पूछताछ की गई इन दोनों से, तो इसके द्वारा अपनी जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर की है उससे उस दिन फायर करना बताया गया। पुलिस की जो टीम थी, दरोगा और पुलिस जो सब सिपाही थे, इसको वहाँ पे जहाँ इसने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल को छोड़ा था वहाँ पे ले गए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद इसने अपना हाथ छुड़ाकर जो वेपन था उससे पुलिस की तरफ फायर किया और वहाँ से भाग गया, जिसमें हमारा जो सिपाही था उसके बाह में भी गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद जो जनपद के जो अन्य थानों की पुलिस थी सबको वहाँ पर बुलाया गया, और जो खेत थे वहाँ पर कॉम्बिंग कराई गई। वहाँ पर जो विनय वर्मा नाम का जो बदमाश था जो वहाँ से भागा था उसको गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में कैलाशी हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती कराया गया। यहाँ से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए यहाँ से उसको अभी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, इसको यहाँ से भेज दिया गया। जो विनय वर्मा है इसके ऊपर 6 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत था, और उसी दिन जो घटना हुई थी उसमें पूछताछ के दौरान इन दोनों के द्वारा बताया गया इसी के द्वारा उस दिन फायरिंग की गई। जो घायल सिपाही उसकी क्रिटिकल हालत है, जो सिपाही है उसको यहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी बांह में गोली लगी थी, उसकी हालत अभी सामान्य है। बदमाश उसकी हालत कैसी है? जो बदमाश है विनय वर्मा उसको यहाँ से रेफर किया गया, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।